YouTube क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में राजस्थान की प्रसिद्ध ग्रासिया जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। राजस्थान में भील मीणा के बाद यह प्रमुख जनजाति है। कुल जनजातियों में 2.5% योगदान यानी 2.5% योगदान इस जनजाति का माना जाता है। यह जनजाति राजस्थान में विशेषकर उदयपुर जिले की खैरवाड़ा, गोगुंदा, कोटड़ा, फलासिया और सिरोही जिले की पिंडवाड़ा, आबूरोड एवं पाली जिले की बाली तहसील में विशेष रूप से फैली हुई है। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ग्रास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सर्वेंट या सेवा करने वाले से होता है। ग्रासिया जनजाति के लोग स्वयं चौहान वंश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, यानी चौहान राजपूत वंश से इनकी उत्पत्ति बताई गई है और इनके गोत्र की उत्पत्ति बप्पा रावल के संतानों से मानी गई है। इनमें सोलंकी, चौहान, वल्दिया, डामोर, इसके अलावा हीरावत आदि गोत्र होते हैं। इनके गोत्र भील और मीणाओं की जनजाति से भी मिलते जुलते हैं। इनका सामाजिक जीवन दूसरी जातियों से थोड़ा अलग है। शारीरिक रूप से ये मीडियम कद काठी के होते हैं। स्त्री पुरुष गेहूं रंग के होते हैं। इसके अलावा ये कच्चे मकान और घास पूज की झोपड़ियां बना के रहते हैं। इनके घर को गैर कहते हैं। इनके अधिकांश निवास पहाड़ी ढलान वाले भागों में होते हैं। ज्यादातर ये जनजाति पहाड़ी भागों में निवास करती है। मैदानी भागों में इनका निवास लगभग नगण्य सा है। ग्रासिया जनजाति के जो गांव होते हैं वो एक ही परिवार के, एक ही पितृ सत्तात्मक परिवार के होते हैं और उसके गांव को फलिया कहते हैं, फलिया नाम से जाना जाता है। ये लोग प्राय कबीले में रहते हैं। इनकी सामाजिक जीवन में विवाह का एक अलग प्रचलन है। विवाह इनमें कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसा कि मोर बंदिया विवाह। इससे तात्पर्य है अग्नि संस्कार और फेरे के फलस्वरूप जो विवाह संपन्न होता है उसको मोर बंदिया विवाह के नाम से जानते हैं। दूसरा जो विवाह होता है वो होता है पहरावना विवाह। पहरावना विवाह से तात्पर्य है वर पक्ष कन्या पक्ष के रूप में कोई वैवाहिक भेंट देता है और उससे जो विवाह संपन्न होता है उसको पहरावना विवाह कहते हैं। सेवा विवाह में क्या होता है, वर वधु पक्ष के वहां कई वर्षों तक कार्य करता है, जमाई के रूप में रहता है और उसके बाद उसकी शादी होती है तो उसको बोलते हैं सेवा विवाह के नाम से जानते हैं। एक आटा साटा परंपरा होती है, उसमें वर पक्ष अगले पक्ष को अपनी बहन देते हैं और उनकी जो वधु है वर पक्ष वाले को दी जाती है तो उसको आटा साटा विवाह भी कहते हैं। इसके अलावा माता विवाह होता है। माता विवाह क्या होता है कि विवाहित जो स्त्री होती है, विवाहित स्त्री किसी प्रेमी के साथ या अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के साथ भागकर शादी करती है तो उसको माता विवाह भी कहते हैं। इसके अलावा उसमें नाता विवाह भी होता है। माता विवाह के अलावा नाता विवाह होता है। नाता विवाह में क्या होता है, एक बार शादी होने के बाद किसी का पुरुष मर जाता है तो वह आदिवासी स्त्री दूसरे किसी ग्रासीय पुरुष से शादी करती है तो उसको नाता विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार ये जनजाति अपना एक अलग पहचान रखती है। इसके अलावा इसके पहनावे भी एक अलग विशेषता होती है। इनके पुरुष साफा बांधते हैं, लहंगा पहनते हैं और दोंची धोती पहनते हैं। औरतें जो होती हैं वह राशिय पुरुष कानों में मुरकी पहनते हैं, इसके अलावा बालियां पहनते हैं। इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो लहंगा पहनती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं और कुर्ती पहनती हैं। इनकी ओढ़नी पर विशेष उनके नाम होते हैं, जैसे फुल्ली, मेहती, ये कसिंदा करे से लिखवा के रखती हैं। इसके अलावा इनका सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी थोड़ा अलग होता है। ग्रासिया जनजाति एकांकी परिवार में विभक्त होते हैं। परिवार जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। इनमें पिता मुखिया होता है,
और बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो पंचायत का नेतृत्व करता है। इनके लोग पूर्णतः प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये विशेषकर शिव, भैरू, दुर्गा के उपासक होते हैं और ये बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। इसके अलावा बलि परंपरा भी इनमें है, ये त्योहारों पर मांसाहार और शाकाहार दोनों का प्रयोग करते हैं। और ग्रासी जनजाति में कई प्रकार के नृत्य हैं जो बड़ी फेमस हैं, उनका अलग अलग नाम है, जो ये विभिन्न जो त्यौहार होते हैं अपने हिंदू त्यौहार उन पर ये करते हैं, जिसमें पहला नृत्य है जिसको अपन वालरा नृत्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष अर्धवृत्ताकार अवस्था में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, उसको वालरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक मांदर नृत्य होता है जो विवाह उत्सव पर ग्रासिया महिलाएं, विवाह उत्सव पर ग्रासिया महिलाएं वृत्ताकार पथ के रूप में एक डांस करती है, नृत्य करती है, उसको मांदर नृत्य के नाम से जाना गया है। एक होता है गौर नृत्य जो गणगौर पर, गणगौर उत्सव पर पुरुष और महिलाएं मिलकर जो नृत्य करती हैं उसको गौर नृत्य कहते हैं। ग्रासी महिलाएं, ग्रासिया जो पुरुष होते हैं किसी विवाह उत्सव पर जो नृत्य करती हैं उसको लूर नृत्य कहते हैं। लूर नृत्य जो लूर गोत्र नाम की आदिवासी ग्रासिया महिलाएं द्वारा संपादित होता है। होली के अवसर पर ग्रासिया स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं, उसको जवारा नृत्य कहते हैं। इसके अलावा ग्रासिया महिलाएं व पुरुष दोनों द्वारा एक संयुक्त रूप से जो नृत्य किया जाता है उसको कौन सा मोरिया नृत्य भी कहते हैं। और ग्रासियों के कई मेले भी लगते हैं, जिसमें एक अंजारी का मेला बहुत ही फेमस है, जो आदिवासियों का इन ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। उसके बाद में एक युवाओं का मेला होता है जो अंबाजी का मेला है, गोगुंदा के पास लगता है, और एक मनखो का मेला कहते हैं जो गुजरात में लगता है, चौपाल के नजदीक, जिसको बोलते हैं चौपाली क्षेत्र के नजदीक लगता है, वहां इनका मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार ये जनजाति भील मीणाओं के साथ अपना एक अलग पहाड़ी भाग में जीवन यापन करती है। भील मीणाओं की स्त्री के साथ जो ग्रासिया शादी करता है तो उस ग्रासिया को गमिति ग्रासिया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये जनजाति उदयपुर और सिरोही जिले में विस्तृत रूप से फैली हुई है, आज भी अपनी प्राचीन रीति रिवाज, प्राचीन तरीकों से जीवन यापन कर रही है। और राज्य सरकार एवं विभिन्न संस्थाएं जो इनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील है।